इंडिया वाले क्रिकेट छोड़ दियो, कोई दूजा काम कर लो, तुम्हारे बस का रोग नहीं। तुम जिहड़ियां वर्दियां पईयां ओह भी पैसे जाया कीते हैं। इंडियन मीडिया था बड़ा दावा करती थी पाकिस्तान ने क्रिकेट सीखनी है तो हमारे पास आए। एदां दे बंदे जिहड़ा राहत शर्मा ना मौत दे खूह च मोटरसाइकिल चलाउंदे हुंदे। विराट कोहली हमारे पाने वाले कोहली बनी है। फैसलाबाद के एक निहायत जो अनोखे किस्म के फनकार जो नकारा बर्तनों से बड़े ही मजेदार किस्म के सुरभ कहते हैं, इस वक्त सजाद बुग्गा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको इंडिया की हार का पता नहीं दुख ज्यादा है कि खुशी ज्यादा है, गम ज्यादा है, इन्हीं से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुग्गा साहब। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। इंडिया को क्या हो गया, बेचारों को नजर लगी? वो कहते हैं कि पता नहीं फूफी सकीना की नज़र लगी, उनको क्या होया? मुझे भी ऐसा लगता है कि उन्हें फूफी सकीना की नज़र लग गई है। तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि आप क्रिकेट छोड़ें, इधर सजाद बुग्गा साहब के पास इधर आएँ पाकिस्तान फैसलाबाद में। मैं आपको ये नकारा जो बर्तन है, ये जो डिब्बे हैं नकारा, इसमें से आपको म्यूज़िक सिखाऊँ। आपने क्रिकेट क्या खेली हुई? और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इंडिया के जो खिलाड़ी हैं इनका नाम क्या है? राहत शर्मा देसी दवाई का नाम होता है, दो तोले राहत शर्मा दे दियो नाम तो विराट कोहली। विराट कोहली जी, भैया विराट कोहली हमारे का पाने वाले कोहली बनी है। ये किस तरह के नाम है इंडिया के खिलाड़ियों के? जैसे इसके नाम है, इसने क्रिकेट क्या खेलनी है? आप मेरे पास आए, मैं आपको ये नकारा बर्तनों में से म्यूजिक निकाल के दूँ। खिलाड़ी तो उनके ना चल सके, कुछ ना कर सके, तो क्या मशवरा देना चाहेंगे? या वो पकौड़ों की दुकान खोलें या क्या करें क्या, या आपसे मौसीकी सीखने आ जाएं? मैं तो चाहता हूँ कि वो मौसम के लिहाज से, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं, वो गर्म अंडे लगाएं। तो आवाज़ें कैसे लगाएगा, मतलब कैसे आवाज़ें लगाएंगे खिलाड़ी? आवाज़ तो फिर वही लगाएंगे ना, रात को 10 बजे गलियों में, अबाले गरम आंडे। इन्होंने क्रिकेट क्या खेलनी है, ये क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। इंडियन जो खिलाड़ी थे, इंडियन मीडिया था, पूरे इंडियन आवाम थी, बड़ा दावा करती थी, वड्डी वड्डी बातें करती थी कि जनाब पाकिस्तान से हमारा कोई मुकाबला नहीं बनता, पाकिस्तान ने क्रिकेट सीखनी है तो हमारे पास आएँ। तो आप क्या चैलेंज देने वाले हैं बुग्गा साहब, यह चैलेंज देने वाले हैं कि भारतीयों आप में से कोई ऐसा एक भी फनकार, 1.5 अरब की आबादी में से एक भी ऐसा बुग्गा साहब जैसा फनकार ले आए जो कि नकारा बर्तनों से जो है मौसीकी बजाते हैं, सुर निकालते हैं, तो फिर ऐसा होगा सामना। इंडिया वाले क्रिकेट छोड़ दियो, इंडिया वाले कोई दूजा काम कर लो, तुम्हारे बस का रोग नहीं। तुम जिहड़ियां वर्दियां पईयां वह भी पैसे जाया कीते है, किड़ा किड़ा महंगा ट्रोजर पा के ना तुहाडे को कैच फड़िया जांदा, ना तुहाडे को चक्का लगता, ना चौका लगता है जी, चौका चक्का नहीं लगता। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम तो घर दियां छत्तां नहीं लिप सकते। तुसी नजायज नाश्ते कीते उत्थे जाके, ये मैच दुबई होया सी जी, हाँ जी, वह जिन्होंने इन्हों नाश्ता दिता वह भी बड़े गुस्से च ने, पिछों जड़े कोई इन्हें व्डे से ना, मसलन जिन्होंने खाना दिता, जिन्होंने रैफरेंस ना खेलन आए, उन्हें कहा साडा ये लंगर टेकर ने बड़े व्डे, ये इंडिया के खिलाड़ी बहुत बड़े लंगर टेकर ने, इन्होंने लंगर किया। और दसो भी बंदा पूछे इन्ना तुम लंगर किया तो कोई खेलिया तो गया नहीं। ये वर्ल्ड कप इनके बस का रोग नहीं है, अब मैंने ये चाह का कप बस पिए। वो हमने पिला दी थी, कहते थे टी वाज फैंटास्टिक। ये अपने जो इनके उधर उधर जो भी इनके अब्बू है ना, ये जो इंडिया के खिलाड़ियों को मैं मशवरा दूंगा, जो आपके उधर अब्बू जान है, उन्होंने लत्तां घुटो तो उन्होंने एक कम करो, तुम नहीं क्रिकेट खेल सकते, तुम कोई होर काम कर लो, जाओ कि मौत के खूह जामा चलाओ। ये जो इंडिया के खिलाड़ी है ना, इदा के बंदे जो राहत शर्मा ना मौत के खूह च मोटरसाइकिल चलाते होंगे, किक मार के तह चढ़ जाते, जोड़ा उन्होंने केड़ा हरचंदी साहब बुमराह, दूजा खिलाड़ी केड़ा जी बुमराह जी, हाँ ना ही देखो कि जो मेहंदी जनार चलाई ना बुमराह दे दी दो दर्जन, मैंने तो समझ नहीं आती इन्हों के नाम कि देने।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਯਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤੇ ਕੋਈ ਥੱਲਿਓ ਫੱਟਿਆਂ 'ਚ ਰੁਪਈਏ ਲੱਭੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਲਣ ਆਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਆ ਪਕਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਵਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਡਰਮ ਸੈੱਟ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆ ਮੈਂ ਡਰਮ ਸੈੱਟ ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਡਰਮ ਸੈੱਟ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ